सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे यार धीरे धीरे सभी डिवाइसेस को MIUI 11 की अपडेट मिलना शुरू हो गई है और आई थिंक यार Redmi Note 6 Pro के भी बहुत सारे डिवाइसेस को मिल गई है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो बैचेस में रोल आउट हो रही है, तो धीरे धीरे आपको मिल जाएगी। और अगर आपको पहले अपडेट करना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है किस तरीके से आप मैनुअली अपडेट कर सकते हो, तो आप उससे भी जाके कर सकते हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से यार MIUI 11 में जिस चीज़ का फीचर का वेट था वो नहीं आया, कैमरा टू API, उसको हम अनेबल कर सकते हैं अपने नोट 6 प्रो में और गूगल कैमरा को यूज कर सकते हैं विदाउट इवन रूटिंग। आपको रूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने फोन को, उसके बिना आप कैसे कर पाओगे, तो आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार रेड कलर का जरूर से बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर से कर देना। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर अगर आपको कैमरा टू API अनेबल करना है तो पहली चीज मैं बता दूं कि दो चीज होनी जरूरी है। पहली चीज तो कि आपका फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो ये चीज नहीं होगी बिना उसके। अगर आपको करना है बूट लोडर अनलॉक तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा किस तरीके से आप अनलॉक कर सकते हो। बहुत ही ईजी मेथड है, आप उसको कर पाओगे। दूसरी चीज ये है जरूरी कि आपके पास PC लैपटॉप कुछ भी होना चाहिए, उसके बिना आप कैमरा टू API भी अनेबल नहीं कर सकते। तो ये दो चीज आपकी जरूर से होनी चाहिए। अब आपको क्या क्या करना है वो चीज सब मैं दिखा देता हूं। पहले आपको दिखा दूं कि देख लो यार, पहले मेरा कैमरा टू API अनेबल नहीं है, मैंने अभी तक नहीं किया है, अभी आपके सामने करूंगा। तो अब यहां पे सबसे पहली चीज तो आपको एक दो फाइल डाउनलोड करनी होगी, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको एक फाइल डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर सेव करनी है जो कि है Enable Hall 3। तो ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसको फोन के अंदर अपने सेव कर लीजिए। बाकी जो फाइल है वो आपको PC के अंदर डाउनलोड करनी है, तो वो आगे PC में चलेंगे तब आपको दिखा दूंगा, तब आप डाउनलोड कर लेना और इजिली आप सेटअप कर लोगे। यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जैसे कि मैंने बताया कि आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा अगर आपका बूट लोडर अनलॉक है। तो आपको बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पे USB डीबगिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको ऑन कर लेना है। ये चीज़ अगर आपकी ऑन नहीं है तो सही से वर्क नहीं करेगा आपके फ़ोन का अंदर, कभी कभी PC में आपका फ़ोन शो नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका कोई भी डेटा वाटा डिलीट नहीं होगा, सिंपल ईजिली रहेगा, आपको कोई अगली अपडेट आराम से आती रहेगी, लेकिन अगली अपडेट में आपका ये डिसेबल हो जाएगा, उसमें फिर से आपको यही चीज करनी होगी। तो ये चीज आप पूरा ध्यान रखिएगा, वरना आप लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं यार कि अगर हमारा डेटा हो जाएगा अपडेट आएगी नहीं आएगी। तो अपडेट आएगी क्योंकि हम फोन को रूट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम रिकवरी को परमानेंटली इंस्टॉल कर रहे हैं, सिर्फ बूट करेंगे, वो आपको आगे दिखाता हूं। अब यहां पर हम चलते हैं PC की तरफ चलते हैं, तो उसमें भी कुछ फाइलें आपको यहां पर लगनी होनी चाहिए, तो वो चीज भी आपको सब आगे दिखा देता हूं। अब फोन हमारा एज इट इज़ है, फ़ोन में कुछ नहीं करना है, PC में आ गए हैं। तो PC में आपको एक फाइल ये है प्लेटफॉर्म टूल्स की, इसको डाउनलोड करके अपने PC में सेव करना है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आपको एक ये ADB सेटअप को भी अपने फ़ोन अपने PC में इंस्टॉल करना है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये जो प्लेटफॉर्म टूल्स की फाइल है इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो एक्सट्रैक्ट मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। आपने एक्सट्रैक्ट करके इस तरीके से रखना है। साथ ही साथ एक और फाइल है जिसको डाउनलोड करना है, ये है OFOX Tulip Recovery। तो ये रिकवरी जरूर से जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। तो आप इस रिकवरी को भी अपने PC में सेव कर लें, या तो मैं कहूंगा आप यहां पे डेस्कटॉप पे सेव कर लो, या प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर ही आप यहां पे सेव कर सकते हो। उसके बाद अब हमको सिंपल क्या करना है, अपने PC में हमको कमांड सेंटर ओपन करना है। तो कमांड सेंटर आप यहां पे राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, या मैं जैसे डायरेक्टली ओपन कर रहा हूं आप इस तरीके से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। अब यहां पे हम आ जाते हैं अपने फोन की तरफ, अपने फोन को हमको यहां पे कनेक्ट करना है PC के थ्रू। तो की है मी की ब्रेडेड केबल जो कि काफी अच्छी है, उससे कनेक्ट करते हैं, और यहां पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अगर आप ये कनेक्ट करते ही इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है तो ध्यान रखना आप इसको अलाउ जरूर से कर दें। अगर आपके में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं PC में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपके में ये ऑप्शन आ सकता है, तो इस तरीके से आप इसको ऑन कर दें, ठीक है। अब PC में चलते हैं, तो PC में आपको यहाँ पे कमांड सेंटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप सबसे पहले टाइप कर दो ABDDEVICES ABD devices। यहाँ पे अगर आपका डिवाइस शो हो रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे अभी मुझे मैसेज आया आपको वो आ जाएगा, और आप उसको ओके परमिशन ज़रूर से कर देना, वरना आपका यहाँ पे काम होगा नहीं। अब यहाँ पे हमको दूसरी परमिशन एक देनी है जिससे हम रीबूट कर लेंगे इसको फास्ट बूट मोड में। तो सिंपल हमको यहाँ पे देना है ABD reboot boot loader, जैसे कि अभी मैं आपको लिखने को दिखा रहा हूँ,
आप इस तरीके से इसको दे दीजिए कमांड, इजी है। मैं कमांड के थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपको कोई ज़्यादा फंक्शन ना करना पड़े फ़ोन में, इजीली जब अपने यार सिंपल सा टाइप करना है तो वो क्यों ना करें, है ना, क्यों बार बार हम फ़ोन से करें। तो आप देख पाओगे फ़ोन में आपके फास्टबूट मोड ओपन हो जाएगा। अब फास्टबूट मोड ओपन हो गया है तो अब हमको यहाँ पे एक और कमांड देनी है, फास्टबूट फ्लैश रिकवरी। तो यहाँ पे फ्लैश नहीं करना है तो ये वाली कमांड हम नहीं देंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हम कमांड देंगे फास्टबूट बूट फिर रिकवरी का नाम। तो आपको यहाँ पे कमांड दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, देख सकते हो फास्टबूट और स्पेस बूट। अब यहाँ पे आप चाहो तो जो रिकवरी आपने डाउनलोड करी है, जो कि अभी मैंने करवाई है, आप उसका नाम डाल सकते हो या सिंपली उसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सिंपल इंटर कर दो, यहाँ पे आप इंटर कर दोगे। इंटर होने के बाद डाउनलोडिंग बूट, और अपने फ़ोन में देखोगे तो आपका यहाँ पे फ़ोन बूट होने लगेगा रिकवरी मोड के अंदर। तो यहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपका फ़ोन रिकवरी मोड में बूट हो जाएगा अपने आप ही। बूट होने के बाद अब यहाँ पे हम इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कनेक्शन रहने की, और पीसी को साइड में कर देते हैं। पीसी का काम यहीं तक था और आपका काम पूरा हो गया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं फाइल्स की तरफ। यहाँ पे आपको ये पूरा एसडी कार्ड देखने को मिल रहा होगा। अब आपने जहाँ पे अपनी फाइल को जो कैमरा टू एपीआई एनेबल करने वाली है उसको सेव करके रखा है वहाँ पे चलना है और सिंपली इसको स्वाइप टू है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से ये फाइल आपकी फ्लैश हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, और आपको सिंपली रिबूट टू यहाँ पे सिस्टम में अब टैप करना है। कोई भी और चीज़ आपको यहाँ पे फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिस्टम सिंपली रिबूट हो जाएगा आपका वो फ़ोन। और फोन जैसे ही बूट होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि आपका कैमरा टू एपीआई अनेबल हो गया है, फ़ोन भी आपको रूट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, और आप गूगल कैमरा अब इजीली अपने MIUI 11 Redmi Note 6 Pro के अंदर चला पाओगे। तो जल्दी से बूट हो जाने देते हैं इसको। देखो एंड्रॉयड का लोगो आ गया और ये बूट अप हो गया है। अनलॉक करते हैं इसको फ़ोन को। अरे अनलॉक हो जा। तो MIUI 11 है, थोड़ा लैग करता है, क्या करें यार, MIUI ही है। तो उधर आ गया है, बूट हो गया, देख सकते हो कैमरा टू एपीआई। अब चेक करते हैं तो इस तरीके से मैनुअल कैमरा है, एंड स्टार्ट में टैप करते हैं तो देख पाओगे सब चीज़ आपकी अनेबल हो गई है। टेंटन है, अब आपको कोई नई अपडेट भी आएगी वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब आप गूगल कैमरा भी इसके अंदर चला सकते हो। तो गूगल कैमरा यार अभी मैंने डाउनलोड नहीं करा है, जल्दी से फटाफट डाउनलोड करता हूँ वरना आप लोग कहोगे यार फेक वीडियो। सो हाँ, तो गूगल कैमरा मैंने इंस्टॉल कर लिया है, आप देख सकते हो। इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ और इस तरीके से देख सकते हो वर्क कर रहा है, और जी कैम वर्जन पता नहीं कौन सा मैं 7 वाला डाउनलोड करा है और अच्छे से वर्क भी कर रहा है। आप अपने Redmi Note 6 Pro में कर सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करोगे, और मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और कौन सी वीडियो चाहिए ज़रूर से कमेंट करके बता देना। टेक केयर, बाय बाय।